गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र क्यों उठाए थे? चूंकार अज हमह हीलते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। फारसी में लिखी ये पंक्तियां श्री गुरु गोविंद सिंह जी की हैं। इनका अर्थ है, जब सभी रास्ते बंद हो जाएं तो तलवार उठा लेना वाजिब है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही कहा जाता है। एक सिपाही होते हुए भी उनके व्यक्तित्व पर आध्यात्मिकता का रंग छाया रहता था। गुरुजी ने तलवार किसी को दुख देने के लिए या किसी लोभ लालच के लिए नहीं उठाई थी, बल्कि गरीब व पीड़ितों की रक्षा और अत्याचार के विरोध के लिए उन्होंने शस्त्र हाथ में लिए थे। युद्ध करते समय भी गुरुजी का हृदय उच्च मानवीय गुणों से ओतप्रोत रहता था। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद गुरु हरगोविंद साहिब ने मीरी और पीरी भाव, शक्ति और भक्ति की प्रतीक दो तलवारें धारण की। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने मीरी पीरी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से खालसा का सृजन किया और हर सिख के लिए कृपाण धारण करना अनिवार्य कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना कर गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के लोगों को धर्म रक्षा के लिए तथा जुल्म को खत्म करने के लिए हथियार उठाने को प्रेरित किया। जालिमों को खत्म करने के लिए गुरु साहिब को अनेक युद्ध करने पड़े। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें गुरु साहिब ने पहले हमला किया हो। सभी युद्ध दुश्मन द्वारा किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई थे। गुरु साहिब ने एक भी युद्ध किसी राज्य पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ा। उनकी कृपाण जब भी उठी किसी की रक्षा के लिए उठी। वो एक सच्चे संत सिपाही थे। हिंदुस्तान के लोगों को धर्म की आजादी उन्होंने ही दिलवाई थी। इस पर महान कार्य के लिए उन्होंने अपना सारा परिवार कुर्बान कर दिया। उनकी तारीफ करते हुए एक मुसलमान शायर लिखता है, ना कहूं अब की ना कहूं जब की बात, कहूं मैं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। सात संगत जी, जेकर आप जानो साडी ए वीडियो चंगी लगी होवे ता इस वीडियो नु लाइक करो। कीर्तन निर्मोल खीरा चैनल यूट्यूब नू सब्सक्राइब करो अते फेसबुक पेज नू लाइक करो अते इस वीडियो नू ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। आप ज्यादा धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।